आते हैं तो आप लोगों के सामने ये आता प्रॉब्लम आता है जिसको आप लोग एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करती हैं और बच्चों में करते हैं। सर सबसे पहले तो बच्चे फर्स्ट डे जब स्कूल आते हैं तो अपने मम्मी पापा से बहुत अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। जब हम लोग भी छोटे होते थे तो हम लोग अपने मम्मी पापा से बहुत जुड़े हुए होते थे और हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोग को मम्मी पापा ही चाहिए होता था, तो हम लोग को भी हेजिटेशन हो जाता था। कोई भी बात कुछ भी हम लोग को बोलना होता है या कुछ भी करना होता है तो हम लोग मम्मी पापा से ही कम्फर्टेबल होते हैं, अदर पर्सन से हम लोग कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जब डे वन मेरा बच्चा स्कूल आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स और मदर से बात करते हैं कि उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, किससे वो मतलब सबसे ज्यादा वो किस चीज को लाइक करता है, खाना पीना डांस करना प्ले करना, मतलब किस चीज में उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी चीज से उसको हम लोग इंटरटेन करें, चाहे वो प्ले करके हो या फिर डांसिंग करके हो, एक्टिविटी करके हो, राइम सॉन्ग गाते हो, अदर चीजें हम लोग करते रहते हैं। लेकिन बच्चे की बेस्ट क्वालिटी उनके मदर फादर ही जानते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टीचर होते हैं अपने बच्चों के, हम लोग उनके फर्स्ट टीचर नहीं होते। लेकिन फिर भी जब डे वन डे टू डे थ्री बच्चा आने लगता है हम लोग को थोड़ा समझने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अरे मम्मी पापा तो अगर हम डांस करने के लिए बोलेंगे तो मम्मी पापा तो मना कर देते हैं, हमको तो डांट देते हैं पीट देते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स तो ऐसा नहीं करते, हमको तो वही काम कराते जो मुझे पसंद है। तो बच्चे हम लोग से इसी तरह खुलने मिलने लगते हैं कि अरे मेरे टीचर तो सबसे बेस्ट है, मम्मी पापा से भी बेस्ट है। कभी कभी वो क्या करते हैं कि मैं हमको तो पढ़ाई वक्त भी जब वो स्टडी करते रहते हैं कि हम लोग को तो 6 पीरियड नहीं पढ़ाना होता है, 4 पीरियड 3 पीरियड कभी कभी 1 पीरियड भी हम लोग पढ़ाते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा रजिस्टर करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि कभी कभी पीछे ही बच्चा बोलने लगता है मैम हमको तो डांस करने का मन कर रहा है, मैम हमको तो गाना गाने का मन कर रहा है, मैम हमको खेलना है, मैम हमको बाहर जाना है। इवन प्ले क्लास में तो ऐसा होता है कि उन्हें स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि वॉशरूम जाना है तो बिल्कुल बोलना होता है, एट द टाइम बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब अपना 100% देते हैं, कोशिश करते हैं। और कभी ऐसा आता है एंडिंग टाइम कि बच्चा हम लोग से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरे यूकेजी के स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएट मीन्स व्हाट? ग्रेजुएट मीन्स ये अब अपने काम खुद कर सकते हैं। काम मतलब आप लोग घर का काम मत समझिएगा, क्या मतलब ये लोग इतने सिंसियर हो गए कि अगर इन लोग के सब्जेक्ट में होमवर्क नहीं मिलेगा, अगर मेरा टीचर भूल जाता है लेकिन मेरे बच्चे नहीं भूलते, मैम मुझे इस सब्जेक्ट में होमवर्क नहीं मिला है मुझे चाहिए, थैंक यू। एज यू हैव सेड, मैम ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि वे बच्चे जब पहले दिन क्लास में आते हैं तो वो रोते हुए आते हैं कि स्कूल में उनका क्या हुआ, एडमिशन हुआ। उस समय वे बच्चे जब मैम अपनी उंगलियां देती है कि बच्चे इसे पकड़ो और चलो मेरे साथ घूमना स्टार्ट करो, उस समय वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बाद में वही बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने आपकी उंगली पकड़ी और कब मैं क्लास 5th तक चला गया और इतना बड़ा हो गया। मैम ने एक और बहुत ही अच्छा बात बोला कि स्कूलिंग, एक्चुअली स्कूलिंग का मतलब यही होता है कि बच्चों को ना केवल हम नॉलेज देते हैं बल्कि उन्हें एक सही ढांचे में और शेप में डालते हैं। नाउ अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद आवर प्रिंसिपल मैम, शी इज आल्सो हियर, आफ्टर अ लॉन्ग डे शी केम हियर टू मीट विद ऑल द स्टूडेंट्स, सो वी विल आल्सो आस्क टू मैम, मैम हाउ डू यू फील टू मीट विद ऑल द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु आर हियर। Thank you, Vishal sir. First of all, good afternoon, all the parents and my dear teachers and those who are present out here. I am very happy because our little UKG juniors today they are special day and they completed their kindergarten. And I specially thanks to their parents. So all the teachers, please clap for their parents because without parents' help, teachers and other school members did not do anything. With the help of your support,
and your cooperation, then only we will success this graduation day. So, dear parents, this very first beginning graduation day celebration, in a very short of time, our Chakra branch teachers work hard, and I specially congratulate all the dear little kindergarten graduate students as well as the entire team, teachers, non-teaching staff, everyone. So I would like to thank all the teachers and my dear students. And graduation day is completed now. Now you have to focus on their future. How you keep your students' future bright? Okay, graduation is complete now. And don't think then your work is over. My children complete our kindergarten. Now they can do their work themselves only. Nothing like that. They need our cooperation till now. Because nowadays education competition is too high. So we have to look. That's why we plan to celebrate this graduation day. Not even Chopra, we haven't seen this type of graduation celebration. Have you ever seen? Dear parents, I ask to you, आप लोग कभी देखे graduation day? इसका second time है आप लोग जो graduation day celebration आप लोग बच्चे के साथ कर रहे हैं. And how many of them first time you have celebrated graduation day? Please raise up your hand. First time. So how you feel? Some parents might be happen कि आप लोगों को exam means you feel surprised. What is it happen? Exactly what is it that? It is the completion of graduation. Kindergarten is the most sensitive period. Those our kids are struggling, I can say, because they don't know how to sit in the classroom. They don't know how to talk with the elders, and they don't know how to open their lunchbox. They don't know how to open their books. They don't know even their teachers how to talk with our teachers. But since the beginning of the day, they learned one thing, that entire the classroom and with their class teacher, subject teacher, and memorize their teacher, subject teacher's name. If you ask your children, what is the name of your English teacher? They can easily say that Pallavi ma'am, Roshni ma'am, Vishal sir. Each and every one name they learn because of that school. If they didn't be silent, it's a very important notice. Why you gathered here? Why you so long period you are staying back? Since 10 before, since 10 started, no sir? Since 10 o'clock you will be here. Now it's going to be 12 noon. आप लोग क्यों हैं कि क्या समझने के लिए आए हैं आप लोग कि graduation day actually होता क्या है? Actually इसमें बच्चे से क्या बोल क्या है? It is not for fun. It is not for dancing and singing. It's for completion their graduation third year. Nursery, LKG, UKG. Now they are with grown-up child. Now they are going to class 1, senior B. Now you have to take care a lot. Abhi tak you have to, you just send your children and you just tell ki, ma'am, aapke haath mein handover kar diya, just take care of my child. Ki ma'am, mera bacha lunch karke nahi aaya hai, kyun nahi aaya? Now, this time is over. You have to take care of your students. Now no one can take care like that in the junior wing students. Now they have to open their lunchbox themselves only. They wash your hand themselves only. They do their work themselves only. बोलो को आपको भी अपने से let them do. Whether it is wrong, it is right, no problem. Let them do. Writing, but you have to take care. You have to stay with them only. You just give time to the students. आप लोग को टाइम देना है बच्चों के. ग्रेजुएशन डे कम्प्लीशन हो गया, ग्रेजुएशन डे कम्प्लीट हो गया. अब न्यू सेशन, नेक्स्ट सेशन के बच्चे का भी, एलकेजी बच्चे भी रेडी है फॉर ग्रेजुएशन. ये लोग से सीखेंगे बच्चे, दे विल सी एंड दे विल लर्न. ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है. सो डियर पेरेंट्स, आप लोग इतने समय तक हम लोग के साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच. एंड आई अगेन आई विल कंग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स, चिल्ड्रेन एंड टीचर्स, थैंक यू सो मच. You did a great job.